हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो क्लास में। आई एम ललित सोनी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हम लोग आज करेंगे सॉल्यूशन एमटीएस नंबर 5 का। जो मेजर टेस्ट अपना है 5th नंबर, उसमें बोटनी का जो पोर्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 151 से अपन अपनी बात शुरू करेंगे। देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सैप वैक्यूल इन प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में रसधानी के संदर्भ में सही है? दे आर सराउंडेड बाई टोनोप्लास्ट। तो बच्चों बिल्कुल अपने को पता है कि अपने पास में जो प्लांट सेल है और प्लांट सेल के अंदर ये जो सैप वैक्यूल होती है, ये वैक्यूल जिस मेम्ब्रेन से कवर होती है उस बच्चों मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ऐसी मेम्ब्रेन जो वैक्यूल को कवर अप करे उसे हम लोग क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड गैस वैक्यूल। नहीं बच्चों, ये यहाँ पर गैस वैक्यूल नहीं है, ये यहाँ पर सैप वैक्यूल है। टोनोप्लास्ट परफॉर्म्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द वैक्यूल, सो द कंसंट्रेशन ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल इन सैप वैक्यूल इज लेस देन द साइटोप्लाज्म। नो, ये बच्चों यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसमें यहाँ तक तो बात सही थी कि सबस्टांस का जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव मेथड से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। लेकिन बच्चों इसकी डायरेक्शन जो है वो वैक्यूल से साइटोप्लाज्म नहीं होता, बल्कि साइटोप्लाज्म से वैक्यूल की तरफ होता है। ठीक है, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। नो, तो सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट, फोर्थ इनकरेक्ट। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152। एसईआर मेनली कंसिस्ट ऑफ, एसईआर मुख्यतः रखती है। देखो बच्चों, ईआर जो होता है बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक तो होता है सिस्टर्नी, एक बच्चों यहां पे है ट्यूबुल्स, और एक यहां पर क्या है? वेसिकल। ठीक है, सिस्टर्नी एंड वेसिकल ये दोनों होते हैं आरईआर के अंदर, एंड ट्यूबुल्स एंड वेसिकल ये बच्चों होते हैं एसईआर के अंदर। तो आरईआर के अंदर मेनली क्या है? सिस्टर्नी, और एसईआर में मेनली कौन है? ट्यूबुल्स, वेसिकल, दोनों में पाई जाती है। अर्थात जो एसईआर है वो बच्चों मेनली किसे कंसिडर करती है? ट्यूबुल्स को एंड वेसिकल को। यार आंसर हो गया अपना सिस्टर्नी एंड ट्यूबुल्स। नो, सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स नो, ये तो आरईआर में होता है। वेसिकल्स ओनली नो, ट्यूबुल्स एंड वेसिकल्स यस। तो बच्चों यहां पे करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एट द एंड ऑफ 2002 सीएनजी यूजेस इज नेसेसरी फॉर मैनी व्हीकल एट द प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल बिकॉज। बच्चों दिल्ली के अंदर जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन इंक्रीज हुआ था, बढ़ा था, वापस उसको मेंटेन करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए थे, जिनमें से एक बड़ा कदम था सीएनजी का यूज करना। वहां पे उन्होंने क्या किया था, जो व्हीकल्स होते हैं उन व्हीकल्स के अंदर सीएनजी का काफी यूज किया, सीएनजी के यूज को प्रमोट किया। तो सीएनजी के यूज को प्रमोट क्यों किया? सीएनजी इज लो कॉस्ट फ्यूल, सीएनजी सस्ता है, क्या इसलिए उसको प्रमोट किया? बच्चों सीएनजी सस्ता है ये आप कह सकते हो सीएनजी का एक इंपोर्टेंस हो गया, लेकिन दिल्ली सरकार ने सिर्फ इसलिए इसको यूज नहीं किया क्योंकि ये सस्ता है? नो, सीएनजी अवेलेबल इजी एज सोर्स ऑफ एनर्जी। बच्चों सीएनजी जो है वो एनर्जी के सोर्स के फॉर्म में इजीली मिल जाती है, ये स्टेटमेंट यहां पे गलत हो गया। सीएनजी बर्न मोर एफिशिएंसी देन पेट्रोल एंड डीजल, ये बच्चों बिल्कुल यहां पे सही है। दिल्ली सरकार ने जो सीएनजी का यूज किया था वो इसलिए किया था क्योंकि सीएनजी जो है वो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ जलती है, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ बर्न होती है, उससे जो पोल्यूशन है वो बहुत कम निकलता है। तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सीएनजी का यूज किया गया था। हाँ, वो अलग बात है कि सीएनजी इज मोर चीपर देन पेट्रोल एंड डीजल, वो भी इसका एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने इसका यूज क्यों किया था? ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो बच्चों यहां पे आंसर कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 154, इफ स्पीसीज एरिया रिलेशन अमंग द वेरी
लार्ज एरिया इज एनालाइज्ड व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन। यदि किसी बहुत बड़े क्षेत्र में जाति क्षेत्र संबंध आकलित किए जाते हैं तो स्लोप ऑफ द लाइन के बारे में क्या होगा। तो बच्चों जैसे कि अपने को पता है इस तरीके से स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अपन यहां पे शो करते हैं, यहां पे है एरिया और यहां पे अपन कह सकते हैं स्पीसीज रिचनेस। तो ग्राफ जो बच्चों इस तरीके से आता है, इस तरीके से क्या आता है इसका ग्राफ आता है, ये अपने पास में है एस इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड। ये बच्चों यहां पे क्या है अपन कह सकते हैं ग्राफ आता है। अगर आप लॉग वैल्यू में बात करो तो लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। ये बच्चों अपने पास इस तरीके से ग्राफ आता है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का। तो यहां पे ये कहा गया है कि अगर एरिया जो होता है बच्चों एरिया अगर बड़ा होता है तो फिर स्पीसीज रिचनेस जो होती है, जो जातीय समृद्धि होती है बच्चों, वो भी क्या होती है ज्यादा होती है। तो अपन कह सकते हैं कि अगर एरिया काफी बड़ा है तो उस कंडीशन के अंदर जो अपने पास में स्लोप ऑफ द लाइन है ये काफी ज्यादा स्टीपर होगी, वहां पे स्पीसीज रिचनेस जो है बच्चों वो क्या होती है ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया इट विल बी मच स्टीपर। समझ गए बात को, मतलब यहाँ पर जो स्पीसीज रिचनेस है वो बच्चों क्या है ज्यादा है। आगे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 155। ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट द बाइवेलेंट क्रोमोसोम क्लियरली अपीयर एज टेट्राड ड्यूरिंग अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के दौरान द्विलक गुणसूत्र चतुष्क के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगता है वह अवस्था है। अब इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को डाउट हो सकते हैं। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछ रहा कि जो बाइवेलेंट है वो बाइवेलेंट कब बनता है, वो आपको ये पूछ रहा है कि बाइवेलेंट ज्यादा क्लियर कब दिखाई देते हैं। तो देखिए आप जैसे पहले बच्चों यहाँ पे होता है लेप्टोटिन और लेप्टोटिन के बाद में क्या होता है जाइगोटिन। जाइगोटिन में तो आप कह सकते हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इन होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर बनते हैं। ये बच्चों क्या बन गया होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बन गया, ये यहां पे है होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। और बच्चों इसी को आप लोग क्या कह सकते हैं टेट्राड ये बच्चों यहां पे क्या है टेट्राड है, इसे आप लोग कह सकते हैं बाइवेलेंट, जिसके बच्चों हम लोग यहां पे बात करें बाइवेलेंट की बात अपन यहां पे करें ठीक है। तो बाइवेलेंट कह दो या टेट्राड कह दो या होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर कह दो, ये जो बच्चों सिचुएशन है आप कह सकते हैं कब बनती है जाइगोटिन में। लेकिन क्वेश्चन है कि वो क्लियरली अपीयर कब होते हैं। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि प्रोफेज फर्स्ट चल रही है, प्रोफेज फर्स्ट में ये फेज आती है, जैसे पहले लेप्टोटिन जाइगोटिन पेकाइटिन डिप्लोटिन और डाइगाइनेसिस 1 2 3 4 5 ये बच्चों पांच फेज जो है आप कह सकते हैं किसकी है प्रोफेज फर्स्ट की है, है ना। तो लेप्टोटिन से अगर आप डाइगाइनेसिस की तरफ जाते हो तो जो बच्चों यहाँ पे कॉम्पेक्शन है जो बच्चों यहाँ पे कंडेंसेशन है ये कंडेंसेशन बढ़ता है। तो देखो बच्चों जाइगोटिन में क्या होगा बाइवेलेंट बन जाएगा, लेकिन जाइगोटिन के बाद में जैसे ही पेकाइटिन आती है तो पेकाइटिन के अंदर क्या होगा, हालांकि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास पास रहेंगे, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास पास रहेंगे, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उसका पेयर रहेगा टेट्राड रहेगा बाइवेलेंट रहेगा। लेकिन जैसे ही पेकाइटिन आता है तो बच्चों पेकाइटिन जाइगोटिन के आगे की फेज हो गई, जाइगोटिन में तो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो है उनका बच्चों पेयर बनेगा, उनका क्या बनेगा पेयर बनेगा। लेकिन पेयर बनने के बाद में बाइवेलेंट बनने के बाद में जब अगली फेज आएगी जिसको आप पेकाइटिन कहोगे तो थोड़ा कंडेंसेशन और हो जाएगा, जिससे अब ये जो बाइवेलेंट है अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। तो बच्चों यहां पे करेक्ट आंसर जो है वो जाइगोटिन नहीं होगा बल्कि बच्चों कौन सा होगा अपन कह सकते हैं पेकाइटिन होगा। क्वेश्चन नंबर 155 मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट आपको आना नहीं चाहिए अब ठीक है। तो बच्चों ये आंसर यहाँ पे पेकाइटिन होगा, कुछ बच्चों ने आंसर किया होगा जाइगोटिन। तो बच्चों जाइगोटिन में तो क्या होता है सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं बाइवेलेंट बनता है,
अगली फेज में थोड़ा सा कंडेंसेशन और होगा, जिससे हम कह सकते हैं ये मोर क्लियर हो जाएंगे। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनको ये डाउट आए कि सर फिर तो इससे आगे वाली जो फेज है डिप्लोटीन, उसमें तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नहीं बच्चों, इसमें ये कंडीशन नहीं है, ये आपको बाइवेलेंट की बात कर रहा है। डिप्लोटीन में तो फिर क्या होगा कि जो दोनों क्रोमोसोम है वो पेयर में रहना चाहेंगे नहीं, वो वापस दूर दूर खिसकना शुरू करेंगे, तो कहाँ का बाइवेलेंट, समझ रहे बात को? तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी होगी? पिकाइटिन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्यारे बच्चों 156, लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग्स, खस्कुटा ऑन हॉज प्लांट, बैक्टीरियोफेज, ब्रूट पैरासिटिज्म, लाइकेन, माइकोराइजा एंड राइजोबियम इन लेग्यूम प्लांट, हाउ मेनी आर द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। जो सहोपकारिता है, म्यूचुअलिज्म है, हमको उसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखना है। तो देखो बच्चों, म्यूचुअलिज्म जो होता है, अगर आप कंडीशन देखें, म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या होता है, दो मेंबर पार्टिसिपेट होते हैं और दोनों मेंबर के पार्टिसिपेटेशन के बाद में एक क्या होता है बेनिफिटेड और दूसरा भी क्या होता है बेनिफिटेड। जैसे लाइस ऑफ ह्यूमन, नो, लाइस ऑन ह्यूमन जो है ये बच्चों यहाँ पर पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। यहाँ पर ह्यूमन को तो क्या होता है लॉस, लाइस को क्या होता है बेनिफिट, ये पैरासाइट का एग्जाम्पल है। टिक्स ऑन डॉग बच्चों ये भी पैरासिटिज्म है। कस्कुटा ऑन हज प्लांट, बिल्कुल, जो कस्कुटा है बच्चों ये भी एक पैरासाइट हो गया। बैक्टीरियोफेज बच्चों, बैक्टीरियोफेज जो है आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पर एक पैरासाइट हो गया। ब्रूड पैरासिटिज्म, ये भी पैरासाइट हो गया। लाइकेन, यस, लाइकेन जो होता है बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हैं एल्गी और फंजाई दोनों पार्टिसिपेट करते हैं एंड बोथ आर बेनिफिटेड टू ईच अदर, दोनों यहाँ पर जो है वो एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। माइकोराइजा, बिल्कुल, यहाँ बच्चों प्लांट और जो फंजाई है उनके बीच का रिलेशन है जहाँ पे दोनों क्या होते हैं बेनिफिटेड, दोनों लाभान्वित होते हैं। राइजोबियम इन लेग्यूम प्लांट, लेग्यूम प्लांट में जो राइजोबियम होता है, लेग्यूम प्लांट में जो प्यारे बच्चों राइजोबियम होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बदले में वहाँ से न्यूट्रिशन या फिर आप कह सकते हैं हैबिटेट उसको, आवास उसको मिल जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये भी यहाँ पर एग्जाम्पल किसका हो गया, आप कह सकते हैं म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। तो 1, 2 and 3 आंसर बच्चों यहाँ पे आ गया, थर्ड ऑप्शन, इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट अपन यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157, रिकॉग्नाइजिंग द डिलीट्रियस इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन एंड इंटरनेशनल इफर्ट नोन एज वो साइंड एंड। तो बच्चों अपने को पता है ये यहाँ पर कौन सा था, ये अपने पास में था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि कनाडा में था, बिल्कुल एक आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो बच्चों आंसर यहाँ पे हो गया फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मंच हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन, मंच परिकल्पना किस पर आधारित है। देखिए सबसे पहले बताना चाहूंगा मैं आपको मंच हाइपोथेसिस क्या थी। जैसे बच्चों मंच ने ये कहा था, मैं आपको शॉर्ट में एक बार ब्रीफ कर दूं, ये अपने पास में सीव ट्यूब था और सीव ट्यूब के अंदर आप देख सकते हैं ये तो बच्चों क्या था सोर्स, एंड ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये बच्चों इसमें क्या था सिंक था। तो हमने कहा था कि साहब ये जो सोर्स होता है वहाँ पर जो फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब है, इस सीव ट्यूब में सुक्रोज आ जाता है, फिर बच्चों यहाँ से वाटर भी आ जाता है। तो सुक्रोज एंड वाटर के आने से यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या होगा बच्चों, टगर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये जो पूरा का पूरा सोल्यूशन है जिसमें वाटर भी है और सुक्रोज भी है, ये बच्चों हाई टर्गर प्रेशर टू जो लो टर्गर प्रेशर है उसकी तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ड्यू टू टीपी ग्रेडियंट एंड इम्बिबिशन फोर्स। बच्चों टीपी ग्रेडियंट बिल्कुल सही है, इम्बिबिशन फोर्स यहाँ पे रॉन्ग है। देखो जैसे ही फ्लोएम के अंदर सुक्रोज आता है और वाटर आता है तो बच्चों वहाँ पे टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और जब वहाँ पे टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसके बाद में हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर, मतलब अकॉर्डिंग टू टीपी ग्रेडियंट, अकॉर्डिंग टू टीपी ग्रेडियंट। बच्चों ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, जो टीपी में डिफरेंस है, जो टीपी में ग्रेडियंट है उसके अकॉर्डिंग फिर ये मूव करेगा हाई टीपी टू लो टीपी। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पर टीपी रेस्पॉन्सिबल है न कि यहाँ पर इम्बिबिशन रेस्पॉन्सिबल है। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ड्यू टू टर्गर प्रेशर टीपी ग्रेडियंट बिल्कुल सही है। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ड्यू टू इम्बिबिशन फोर्स, नो बच्चों इम्बिबिशन फोर्स यहाँ पे नहीं आएगा, तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हो गया, इज दैट क्लियर? आगे चले 159, हाउ मेनी फंक्शंस आर
रिलेटेड विद Mg+2, निम्न में से कितने कार्य Mg+2 से संबंधित है। आइए बच्चों देखते हैं। एंजाइम एक्टिवेशन बिल्कुल सही है बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है हेक्सोकाइनेज, पेप्केज, रूबिस्को, ये सब ऐसे एंजाइम हैं जो Mg+2 की प्रेजेंस में एक्टिव हो पाते हैं, सक्रिय हो पाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, बिल्कुल हमने कहा था जो क्लोरोफिल है उसकी बच्चों स्ट्रक्चर के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, Mg+2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरोफिल जो है उसकी स्ट्रक्चर किससे बनी होती है, Mg+2 से भी मिलकर बनी होती है। मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है बच्चों, राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें Mg+2 का बड़ा रोल है, क्योंकि Mg+2 की जो कंसंट्रेशन है वही रेस्पॉन्सिबल है राइबोसोम की दोनों सब यूनिट को आपस में अटैच करने के लिए। तो अगर Mg+2 की कंसंट्रेशन बच्चों कम हो जाती है, 0.001 मोलर से कम हो जाए, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, दोनों सब यूनिट जो है वो डिसोसिएट हो जाती है। मतलब जो राइबोसोम की बच्चों स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करना, ये वर्क भी किसका है, Mg+2 का है। प्रेजेंट इन मेथियोनिन, ना बच्चों मेथियोनिन जो है बेसिकली आप यहाँ पे कह सकते हैं मेथियोनिन के अंदर सल्फर प्रेजेंट हो सकता है न कि मैग्नीशियम होता है। तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आप कह सकते हैं कितने यहाँ पे Mg+2 के रिलेशन में सही है, ABC, तो यहाँ पे आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन कि तीन स्टेटमेंट जो है वो बच्चों क्या है इसके बारे में सही है, समझ रहे हैं, ये यहाँ पे कंडीशन। आगे देखें 160, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाए। बच्चों यहाँ पे है फाइटोफेगस प्लांट, स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट to avoid summer problem, feeding on plant sap, maintenance of the constant internal environment, देखते हैं। बच्चों phytophagous जो होगा, अगर आप condition देखें, तो यहाँ पे phytophagous की matching किससे होती है? बिल्कुल, जो A बच्चों यहाँ पर है, उसमें ना चाहिए, stage of suspended development, ये तो बच्चों आ गया dipod के साथ में। होम्योस्टेसिस, बच्चों होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। एस्टिवेशन, बच्चों एस्टिवेशन क्या हो गया, एस्टिवेशन यहाँ पे हो गया टू अवॉइड समर प्रॉब्लम, समर प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए सस्पेंड की एक फेज है जिसका बच्चों नाम क्या हो गया, अपन कह सकते हैं एस्टिवेशन हो गया। फिर बच्चों यहाँ पे है अपने पास में फाइटोफेगस में क्या बच गया, फीडिंग ऑन प्लांट सैप, बच्चों बिल्कुल अपन कह सकते हैं सही है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है, वो इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या करते हैं बच्चों, अपने लीफ के ऊपर जो इंसेक्ट वगैरह है उसको खत्म कर देते हैं, फिर बच्चों वहां से नाइट्रोजन को सक करते हैं, नाइट्रोजन को खींचते हैं, तो क्या हो गया फीडिंग ऑन प्लांट सैप, जो प्लांट सैप है बच्चों वो क्या कर रहा है, फीडिंग कर रहा है, पादप रस खाना उत्पादन, समझ रहे हो, पादप बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है, रस का उत्पादन कर रहा है, जो यहाँ पर कीट है जिसको मारा गया है बच्चों, जैसे सबसे पहले क्या होगा, ये मान लो यहाँ पे लीफ है, लीफ पर कौन बैठेगा, इंसेक्ट, इंसेक्ट मर गया, अब ये लीफ क्या करती है, इस इंसेक्ट के ऊपर केमिकल को सिक्रेट करती है, एंजाइम को सिक्रेट करती है, वो एंजाइम क्या करते हैं बच्चों, इस इंसेक्ट को खत्म कर देते हैं, फिर यहाँ पे खत्म करने के बाद में, डिकम्पोज करने के बाद में, इस इंसेक्ट से जो नाइट्रोजन है उसे प्लांट सक कर लेता है। तो यहाँ पे बच्चों आंसर कौन सा हो गया, आप कह सकते हैं ए में थर्ड, बी में वन, सी में फोर और डी में बच्चों टू आ गया, आंसर यहाँ पे हो गया सेकेंड ऑप्शन। आगे चलते, द पाइनएपल विच अंडर नेचुरल कंडीशन इज डिफिकल्ट टू ब्लॉसम हैज बीन मेड टू प्रोड्यूस फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर बाय एप्लीकेशन ऑफ। अनानास जो कि प्राकृतिक स्थिति में कठिनाई से पुष्पन करता है, निम्न में से किसके अनुप्रयोग द्वारा वर्ष भर उत्पन्न कर सकता है। ये बच्चों NCERT की लाइन है कि ऑक्सिड हार्मोन जो है वो पाइनएपल के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। NAA2,4-D, ये बच्चों यहाँ पे ऑक्सिन के एग्जांपल है, बिल्कुल सही है। फेनाइल एसिटिक एसिड PAA, नो। साइटोकाइनिन, नो, ये ऑक्सिन नहीं है। IAA और IBA, ये ऑक्सिन है। तो देखो बच्चों अपने पास यहाँ पे ऑक्सिन के दो ऑप्शन हैं, फर्स्ट और फोर, दोनों ही कंडीशन में आप कह सकते हैं ये ऑक्सिन है। अब ये बोल रहा है कि प्राकृतिक स्थिति में तो बच्चों क्या होता है, नेचुरल कंडीशन में तो पाइनएपल में फ्लावरिंग बहुत मुश्किल से आती है, तो फिर आप लोग बच्चों बाहर से क्या करते हो, प्लांट को ऑक्सीजन दोगे। तो देखो प्लांट के खुद के अंदर तो क्या है, नेचुरल ऑक्सीजन है,
आपने जब आर्टिफिशियल कंडीशन में ऑक्सीजन दिया है तो आप कौन सा ऑक्सीजन दोगे? आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दोगे तो बच्चों वो कौन हो गया? मेथिलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D। तो बच्चों अपन यहाँ पे कह सकते हैं ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर फ्लावरिंग आ जाती है। ये बच्चों यहाँ पे आर्टिफिशियल कंडीशन, इसने क्या लिखा कि नेचुरल कंडीशन में तो बहुत मुश्किल से है, प्लांट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नेचुरल ऑक्सीजन है, लेकिन इतने से ऑक्सीजन से काम नहीं चल रहा, तो फिर आप बाहर से एक्स्ट्रा लेके आ रहे हो ऑक्सीजन। और बाहर से बच्चों अगर हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेके आ रहे, इसका मतलब हम लेके आ रहे हैं ऑक्सीजन, तो वो कौन सा हो गया? आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हो गया, जो कि NAA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये यहाँ पे हो गए। ठीक है बच्चों, ये अपने पास कंडीशन। आगे चले 162, फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट इज रिलेटिवली लेस लिमिटेड बाई एटमोस्फेरिक CO2 लेवल्स बिकॉज C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण अपेक्षित रूप से वायुमंडलीय CO2 स्तरों द्वारा कम सीमित है, क्योंकि अब देखो बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन से आपका एक बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वैसे बच्चे इसको जानते होंगे, नहीं जाने तो आप इसको आराम से देखें भाई। C4 प्लांट जो है, ये C4 प्लांट आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो CO2 की कंसंट्रेशन है उससे बच्चों कम प्रभावित होता है, उससे लेस ये क्या होता है, लिमिटेड होता है। ऐसा क्यों है? इफेक्टिव पंपिंग ऑफ CO2 इनटू बंडल शीट सेल, पुलाच्छद कोशिकाओं में CO2 प्रभावी रूप से पंप की जाती है। अब देखो बच्चों स्टेटमेंट तो ये सही है, लेकिन जो इसका रीजन है ये नहीं आ रहा। जैसे कि आपको पता है कि बंडल शीट के अंदर जब मैलिक एसिड से वापस पाइरुविक एसिड बनता है तो उस टाइम पे CO2 निकालते हैं। जैसे जो मैलिक एसिड है उससे बच्चों फॉर्मेशन किसका होता है? पाइरुविक एसिड का। तो उस टाइम पर आप कह सकते हैं कि जो CO2 है वो निकालते हैं, और ये CO2 जो है वो जाती है बच्चों कहाँ पर? C3 साइकिल में। और आपने कहा भी था कि C4 प्लांट के अंदर CO2 का फिक्सेशन दो बार होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, स्थान के आधार पर। एक बार तो CO2 का फिक्सेशन कहाँ पे होता है? मेजोफिल सेल में। एक बार कहाँ होता है? बंडल शीट में। सेकेंड बच्चों यहाँ पे है, रूबिस्को इन C4 प्लांट हैज हायर एफिनिटी फॉर CO2। C4 पादप में रूबिस्को की CO2 के लिए उच्च बंधुता है। 4 कार्बन एसिड आर द प्राइमरी इनिशियल CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, 4 कार्बनिक अम्ल प्राथमिक प्रारंभिक CO2 स्थिरीकारक उत्पाद है। द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज मोर मेडिएटेड वाया पैप कार्बोक्सिलेज। बच्चों मेन रीजन यहां पर क्या है? हाँ, अगर मान लो ये फोर्थ ऑप्शन नहीं होता तब तो आप इसका आंसर फर्स्ट भी कर सकते थे, लेकिन फोर्थ ऑप्शन यहां पे है। जैसे ये जो बच्चों यहां पे CO2 आ रही है C3 साइकिल में, ये CO2 बच्चों एनवायरमेंटल CO2 नहीं है, ये तो केमिकल CO2 है जो कि केमिकल में से निकल के आई है। एनवायरमेंट से जो CO2 आती है, मैं बताऊं आपको, एनवायरमेंट से जो CO2 आएगी वो CO2 रिएक्शन किससे करती है? PEP से। और बच्चों फॉर्मेशन किसका होता है? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड का। तो देखो बच्चों यहां पर एंजाइम रूबिस्को नहीं होता है, बच्चों यहां पर एंजाइम कौन सा होता है? पेपकेज। यहां एंजाइम कौन सा है? पेपकेज। पेपकेज एंजाइम जो है आप कह सकते हैं वो बच्चों CO2 के साथ रिएक्शन करता है। अगर रूबिस्को होता तो वो CO2 और O2 दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता, लेकिन बच्चों यहां पर तो क्या है? पेप कार्बोक्सिलेज है। बच्चों कार्बोक्सिलेज का मतलब क्या है? जो CO2 के साथ रिएक्शन करे। तो इस तरीके से अपन यहां पे कह सकते हैं कि वहां तो बच्चों C3 प्लांट में तो क्या था? रूबिस्को था। वहां पे सी भी था, ओ भी था, रूबिस्को, लास्ट में CO आता है। सी का मतलब है कार्बोक्सिलेज, ओ का मतलब है ऑक्सीजनेज, मतलब वो CO2 के साथ भी क्रिया कर सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी क्रिया कर सकता है। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे पेप कार्बोक्सिलेज है, पेपकेज है, पेप कार्बोक्सिलेज है, मतलब बच्चों ये रिएक्शन किससे करेगा? CO2 से ही करेगा। तो अगर मान लो यहाँ पे O2 आ भी जाए तो बच्चों एनवायरमेंट से यहाँ पे क्या आती है? CO2 अंदर ले जाती है। आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। तो बच्चों 162 में अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन हो गया। आगे देखें, ऑर्डर प्राइमेट एंड कार्निवोरा आर प्लेस्ड इन द सेम क्लास। गण प्राइमेटा और जो कार्निवोरा है उनको एक समान वर्ग में रखा गया है। और बच्चों वो क्लास कौन सी है? मैं ध्यान चाहूंगा आपको यहाँ पर NCERT के अंदर, अगर आप बच्चों कंडीशन देखें 163 नंबर क्वेश्चन के अंदर, तो
मेमेलिया, बच्चों यहाँ पर क्या इसकी क्लास है, मेमेलिया जो है, इस मेमेलिया के अंदर बच्चों अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ये ऑर्डर है कौन से, एक तो कार्निवोरा एक प्राइमेट, इनको रखे गए हैं बकायदा बच्चों एनसीईआरटी के लास्ट में एग्जाम्पल्स में दे रखा है। तो नेक्स्ट बच्चों अपन यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमस, निम्न में से क्या ह्यूमस की विशेषता नहीं है। तो देखते हैं, इट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर सच एज लिग्निन एंड सेल्यूलोज, यह है लिग्निन और सेल्यूलोज जैसे कार्बनिक पदार्थों से भरपूर है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, यहाँ पर ह्यूमस जो है वो क्या है, कार्बनिक पदार्थ है जहाँ ये सब पदार्थ पाए जाते हैं। इट इज कोलोइडल इन नेचर एंड सर्व एज ए रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट, बिल्कुल बच्चों एनसीईआरटी की लाइन है कि ह्यूमस जो है, इस ह्यूमस के अंदर न्यूट्रिएंट्स इतने ज्यादा होते हैं कि ये भंडार क्षेत्र मतलब रिजर्वर की तरह वर्क करता है। इट इज हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगोज स्लो रिकम्पोजिशन, यह सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं के लिए उच्च रूप से अवरोधी होता है और धीमे धीमे अपघटित होता है। बच्चों बिल्कुल अपन यहाँ पे कह सकते हैं, ये सही स्टेटमेंट है कि भाई अपने पास में ये जो ह्यूमस है बच्चों, ह्यूमस के अंदर क्या होता है, माइक्रोब्स के रेजिस्टेंस है, तो जो माइक्रोब्स यहाँ पे डिकम्पोजिशन करना चाहते हैं उन माइक्रोब के लिए ही अगर रेजिस्टेंस होगा तो फिर वो माइक्रोब डिकम्पोजिशन करेगा कैसे, ठीक है। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि काफी स्लो यहाँ पे इसका डिकम्पोजिशन होता है क्योंकि बच्चों माइक्रोब्स के लिए इसमें क्या है, रेजिस्टेंस है। इट इज फर्दर डिग्रेडेड बाय द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिफिकेशन, ये ह्यूमिफिकेशन के बाद में आप कह सकते हैं डिग्रेड होता है, नहीं बच्चों ह्यूमिफिकेशन जो होता है, ह्यूमिफिकेशन के अंदर तो ह्यूमस बनता है, न कि उसका डिग्रेडेशन होगा, वो तो बच्चों आगे जो मिनरलाइजेशन होता है, जो खनिजीकरण होता है उसके पश्चात खनिजों के अंदर बदलता है। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है, कौन सा ह्यूमस का कैरेक्टर नहीं है, तो बच्चों आंसर यहाँ पे हो गया फोर्थ ऑप्शन। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर इन एस्कोमाइसिटीज आर फॉर्म्ड एक्सोजेनसली एंड एंडोजेनसली रेस्पेक्टिवली, एस्कोमाइसिटीज में कौन से बीजाणु क्रमशः बहिजात और अंतर्जात प्रकार से बनते हैं। देखें बच्चों एस्कोमाइसिटीज जो है, अगर आप कंडीशन देखें तो एस्कोमाइसिटीज फंजाई जो है इसके अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर है बच्चों, वो तो क्या होते हैं, आप कह सकते हैं कोनिडिया, तो कोनिडिया जो है वो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, एसेक्सुअल स्पोर है। और बच्चों ये जो कोनिडिया होते हैं, ये जो यहाँ पे कोनिडिया है जो कि एसेक्सुअल स्पोर है, ये एसेक्सुअल स्पोर आप कह सकते हैं बच्चों कैसे बनते हैं, ये बनते हैं एक्सोजिनस, ये बच्चों एक्सोजिनस बनते हैं इस तरीके से, ये यहाँ पे स्टिग्मेटा, और इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो कोनिडिया है उनका फॉर्मेशन होता है। एंड एंडोजिनस, तो बच्चों आप कह सकते हैं कि इसमें जो सेक्सुअल स्पोर है जिनका नाम बच्चों क्या है, एस्कोस्पोर, ये एस्कोस्पोर जो है, ये एस्कोस्पोर बच्चों यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर होते हैं, और ये जो सेक्सुअल स्पोर है बच्चों कैसे बनते हैं, ये बनते हैं एंडोजिनसली, ये बच्चों बनते हैं एंडोजिनसली, समझ रहे, ये यहाँ पे कंडीशन है कुछ इस तरीके से है, जैसे कि आपको पता है यूं ऐसे, ये देखो बच्चों यहाँ पर क्या है आपके सामने एस्कस स्पोर है, और ये जो एस्कस स्पोर है ये बच्चों एंडोजिनस तरीके से बन रहे हैं। आगे देखिए इसमें, तो क्या हो गया, एस्कोस्पोर ये होते हैं एंडोजिनस, और कोनिडिया बच्चों यहाँ पर क्या है, एक्सोजिनस। अब देखते हैं बच्चों अपन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, डिफरेंट सेट्स ऑफ एल्गल कैरेक्टर्स आर गिवन बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट सेट विद रेस्पेक्ट क्लोरोफाइसी, शैवाली लक्षणों के संबंध में नीचे विभिन्न युग्म दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा युग्म क्लोरोफाइसी के संबंध में सही है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे रिजर्व फूड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों रिजर्व फूड जो होता है क्लोरोफाइसी के अंदर, फ्लोरिडिन स्टोर्स नहीं होता, ये रोडोफाइसी में है, लाल शैवालों में होता है। स्टार्च बिल्कुल सही है, मैनिटोल ये बच्चों ब्राउन एल्गी में होता है, फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं फ्लैजिला, तो बच्चों फ्लैजिला यहाँ पे कितने होते हैं, 2 to 8 equal, बिल्कुल सही है बच्चों, 2 unequal, ये तो किसका, ब्राउन एल्गी का हो गया, ये बच्चों आप यहाँ पे कह सकते हैं 2 unequal, ये भी ब्राउन एल्गी का हो गया। फिर देखो बच्चों यहाँ पे जो सेल बोला वो किससे बनती है, वो बनती है सेल्यूलोज से, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, सेकंड इसका करेक्ट आंसर आ गया, एनसीईआरटी की जो बच्चों टेबल है वहां से मैंने क्वेश्चन पुटअप किया है। नेक्स्ट,
167 द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय द हर्बीवोरस एंड द डीकंपोजर्स इज कॉल्ड शाकाहारियों और अपघटनकर्ताओं के उपयोग के लिए उपलब्ध जैव मात्रा क्या होती है, जैसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, स्टैंडिंग क्रॉप या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे इस तरीके से एक प्लांट है, अगर आप कंडीशन देखें, ये बच्चों यहाँ पे इस तरीके से क्या एक प्लांट है। अब ये जो प्लांट है ये जितना फूड बनाता है बच्चों, वो तो हमने क्या कहा था, क्या होता है, जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जितना ऑर्गेनिक सबस्टांस बना है वो तो बच्चों कौन सा हो गया, जीपीपी, वो तो यहाँ पे हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें से कुछ ऑर्गेनिक सबस्टांस जो है वो ये प्लांट खुद कंज्यूम कर लेगा रेस्पिरेशन के लिए, पीछे जो बच गया उससे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये प्लांट के अंदर स्टोर रहेगा। और जैसे ही कोई इसको खाएगा, बच्चों प्लांट को कौन खाता है, हर्बीवोरस खाता है, शाकाहारी खाता है, तो बच्चों हर्बीवोरस किसको खाएगा, एनपीपी को खाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को खाएगा। तो शाकाहारियों और अपघटनकर्ताओं के उपयोग के लिए उपलब्ध जो बच्चों यहाँ पर जैव मात्रा है वो बच्चों अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो आंसर बच्चों यहाँ पे हो गया फर्स्ट ऑप्शन, यू। आगे देखिए 168 गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट आर ग्रो इन कूल डैम्प एंड शेडी प्लेस बिकॉज टेरिडोफाइट के युग्मकोद्भिद ठंडे आर्द्र और छायादार स्थानों पर ही उगते हैं, क्योंकि बच्चों जैसे कि आपको पता है टेरिडोफाइटा जो है उसकी मेन बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है, और फिर उसके बाद में क्या बनता है, गैमेटोफाइट, जो कि फ्री होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, जिसे आप लोग प्रोथेलस भी कहते हैं। तो बच्चों वो कूल एरिया में क्यों है, शेडी एरिया में क्यों है, डैम्प सोइल में क्यों है, क्योंकि बच्चों आपको पता है दे नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए उनको बच्चों जल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। दे नीड लो टेम्परेचर फॉर फर्टिलाइजेशन, नहीं, फर्टिलाइजेशन के लिए आप कह सकते हैं बच्चों इनमें होती है ज़ुइडोगेमी, इनमें क्या है, ज़ुइडोगेमी, मतलब वाटर के थ्रू ही जो मेल गेमेट है वो फीमेल गेमेट के पास जाता है, गेमेट का फ्यूजन हो पाता है। तो बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर की नहीं, यहाँ पे वाटर की जरूरत है। दे ऑब्टेन मैक्सिमम वाटर फ्रॉम सोइल, ये मृदा से अधिकतम जल प्राप्त करते हैं, नहीं, ये बच्चों को इसका रीजन नहीं हुआ। दे ऑब्टेन सफिशियंट फूड फ्रॉम सोइल, वो फूड से, सोइल से सफिशियंट फूड लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चों खुद फोटोसिंथेसिस करता है, खुद फूड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। हाँ बच्चों अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 169, मैच द फॉलोइंग कॉलम। तो बच्चों सिकुआ यहाँ पर जो है वो क्या हो गया, टॉलेस्ट ट्री हो गया, माइकोराइजा जो है वो आ गया पाइनस में, माइकोराइजा आपको पता है कि पाइनस में रूट तो प्रेजेंट है लेकिन रूट हेयर नहीं होता, तो फिर वो माइकोराइजा के साथ संबंध शो करता है, ठीक है। फिर इसके बाद में कोरालोइड रूट जो बच्चों उसके अंदर क्या आ गया, साइकस आ गया, और नेक्स्ट सीड किस में होते हैं, जिम्नोस्पर्म में आते हैं, तो ए में आ गया 3, ए में यहाँ पे 3 है बच्चों। बी में आ गया 1, बी में 1 आ गया बच्चों। सी में यहाँ पे क्या है, 2, सी में यहाँ पे 2 है, और जो डी है उसमें 4 है। तो बच्चों करेक्ट आंसर जो है 169 में वो आपके यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर कौन सा, 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 170, ग्रुप ऑफ प्लांट्स कंटेन ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर, पौधों का समूह जिसमें एक व्यास सममित पुष्प होते हैं। तो बच्चों एक व्यास सममित पुष्प किसमें होते हैं, आइए देखते हैं अपने इसमें, गुलमोहर, मस्टर्ड डटूरा, केसिया बीन चिली, केना मस्टर्ड चिली, केसिया गुलमोहर पी। बच्चों आप सबको पता है एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी के बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल है, और वो है मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया, पी गुलमोहर, बीन और केसिया। बच्चों यहाँ पे कंडीशन कौन सी होती है, हालांकि यहाँ बीन भी आना चाहिए था लेकिन बीन ऊपर आ गया, तो बीन में तो होता है, लेकिन बच्चों इनमें आपके जैसे मान लो यहाँ पर केसिया है तो इनमें जाइगोमॉर्फिक है, इनमें जाइगोमॉर्फिक है, चिली बच्चों कैसा हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, ठीक है, ये आप जाइगोमॉर्फिक है, मस्टर्ड क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, डटूरा क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, केना बच्चों आप यहाँ पे कह सकते हो एसिमेट्रिक हो गया, मस्टर्ड क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है, चिली एक्टिनोमॉर्फिक है, तो केसिया गुलमोहर पी आंसर बच्चों यहाँ पे हो गया फोर्थ ऑप्शन 171। देखे ये बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला है, इज दैट ऑफ द फ्लोरल फॉर्मूला, पुष्प सूत्र है,
ये बच्चों किसका फ्लोरल फॉर्मूला है? तो जैसे कि आपको पता है कि ये बच्चों लिलियसी फैमिली जो है उसका फॉर्मूला है, और लिलियसी फैमिली में किसका फॉर्मूला हो गया, ये बच्चों आप यहाँ पे कह सकते हैं पटूनिया, ट्यूलिप, ल्यूपिन, ट्राइफोलियम। कौन सा बच्चों यहाँ पे हो गया? ट्यूलिप इसका आंसर हो गया। तो 171 में बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया? सेकेंड ऑप्शन हो गया। 172, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रेजेंस ऑफ एन्युलर एंड रेटिकुलर थिकनिंग, बॉर्डर पिट्स ऑन देयर वॉल, लिग्निफाइड एंड टैपरिंग एंड। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैपरिंग एंड का होना, इससे ही क्लियर करेंगे। फाउंड इन मेनली जिम्नोस्पर्म एंड ऑल्सो में प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, मैक्सिमम स्टेटमेंट आर रिलेटेड विद। बच्चों टैपरिंग एंड का मतलब क्या है? जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रेकिड्स होते हैं, तो उस ट्रेकिड के साथ में क्या सीन है? ट्रेकिड के साथ में सीन यू है कि उसमें जो एंड होते हैं, ये बच्चों एंड यहाँ पे बंद होते हैं, इसको बोलते हैं टेपरिंग एंड। वाटर का जो बच्चों फ्लो है वो कैसा होता है, आप कह सकते हैं जिगजैग होता है। उसी तरह से बात है बच्चों, ये लाइन आते ही यहाँ पे कौन सा हो गया? ट्रेकिड्स। ट्रेकिड्स में बच्चों आप कह सकते हैं एनुलर थिकनिंग भी होती है, सेटुलर थिकनिंग भी होती है लिग्निन की, बॉर्डर पिट यहाँ पे होते ही है, टेपरिंग एंड यहाँ पे है ही है, एंड जिम्नोस्पर्म ऑल्सो मे प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। जो बच्चों ट्रेकिड्स है वो एनजियो के अंदर भी है, वो जिम्नो के अंदर भी है, और वो आप कह सकते हैं टेरिडोफाइटा के अंदर भी होते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो गया ट्रेकिड्स, करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। तो बच्चों मेरे ख्याल से 172 में वो डाउट आपको यहाँ पे आएगा नहीं। आगे चलते हैं इसके बाद में 173। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइक्रोब्स इन्वॉल्व्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन, जैव गैस उत्पादन करने वाले सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में सही क्रम का चुनाव कीजिए। फ्रेगमेंटेटिव, डीकम्पोजर्स, प्यूट्रीफाइंग माइक्रोब्स या डीकम्पोजर्स। तो देखो बच्चों, बेसिकली जो बायोगैस का प्रोडक्शन है वो होता है एनएरोबिक। बायोगैस का जो प्रोडक्शन है, जैव गैस का जो उत्पादन है, वो बच्चों होता है आप कह सकते हैं एनएरोबिक माइक्रोब्स के थ्रू, ठीक है। ये फ्रेगमेंटेटिव होते हैं या डीकम्पोजर्स होते हैं। तो बच्चों सीधी सी बात है, ये क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स ही होते हैं। ये होते हैं मिथेनोजन एंड प्यूट्रीफाइंग माइक्रोब, सड़नकारी जीवाणु होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? आप कह सकते हैं यहाँ पे डीकम्पोजर्स फर्मेंटेटिव है, माइक्रोब्स है, मिथेनोजन, बिल्कुल बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया? मिथेनोजन हो गया। क्योंकि बच्चों सड़नकारी तो बहुत सारे हो सकते हैं, प्यूट्रीफाइंग तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ पे कौन है? मिथेनोजन आएगा। तो आंसर बच्चों यहाँ पे हो गया फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 174, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन बिलो। स्प्रिंग वुड ऑल्सो कोल्ड अर्ली वुड डेवलप इन स्प्रिंग सीजन, बिल्कुल सही है बच्चों। स्प्रिंग वुड जो है वो स्प्रिंग सीजन में बनती है, वो अर्ली वुड होती है। ऑटम वुड कोल्ड लेट वुड, बिल्कुल सही है। ऑटम वुड इज डार्कर एंड हैज ए हायर डेंसिटी, बिल्कुल सही है। वुड इज नोन एज लोअर कंप्लीट टिश्यू ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इम्प्लांट, ये बच्चों गलत हो गया। जो वेस्कुलर कैम्बियम है उसके अपर, उसके बाहर का जो पार्ट है वो बच्चों वुड है, न कि उसके अंदर का पार्ट वुड है। तो गलत यहाँ पे कौन सा हो गया? फोर्थ बच्चों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अपन यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 175, पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म इन, परिस्पर्म भ्रूणपोष से किस प्रकार भिन्न है। बच्चों जैसे कि पता है आपको परिभ्रूणपोष और भ्रूणपोष, पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म दोनों ही यहाँ पर न्यूट्रिशनल टिश्यू है, दोनों ही यहाँ पे पोषण प्रदान करने वाले उत्तक, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बता दूं मैं आपको, पेरिस्पर्म जो बच्चों यहाँ पे है वो बनता है इंडिग्यूमेंट से, जो कि 2N होता है, और जो एंडोस्पर्म है वो बच्चों कैसा होता है? 3N, ये बनता है डबल फर्टिलाइजेशन से, ये बच्चों बनता है यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन से। तो ये किस पे डिफरेंस आ गया? बीइंग ए डिप्लॉयड टिश्यू, इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद सर्वल स्पर्म, बीइंग ए हैप्लॉयड टिश्यू, हैविंग ए नो जीरस फूड। आंसर बच्चों यहाँ पे आ गया फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 176, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। व्हेन पोलन इज शेड ए टू सेल्ड स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, जब पराकरण दो कोशिक अवस्था में मुक्त होता है तो दोहरा निषेचन नहीं होता, ये बच्चों गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि 60% सिचुएशन के अंदर, 60% प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन निकलता है एंथर से, वो टू सेल्ड फेज में ही होता है। वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल, कायिक कोशिका जनन कोशिका से बड़ी है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स इन सम प्लांट्स रिमेन वायबल फॉर मंथ्स, कुछ पादपों के परागण कुछ महीनों तक जीवित रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, बिल्कुल सही है।
तो बच्चों यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा आ गया? फर्स्ट ऑप्शन बच्चों यहाँ पे रॉन्ग है कि भाई जब परागकण टू सेल फॉर्म में बाहर निकलते हैं तो उस सिचुएशन में उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो बच्चों 176 में करेक्ट आंसर जो है वो अपने पास आ गया फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 177, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप प्लांट इज नॉट मैचिंग एज करेक्ट पेयर विद इट्स वैरायटी। निम्न में से कौन सी पादप फसल अपने किस्म के सही जोड़े से नहीं मिलाई गई है? व्हीट की बच्चों यहाँ पे हिमगिरी है, बिल्कुल सही है। ब्रेसिका पुसा गौरव है। कॉलीफ्लावर पुसा कोमल, ये बच्चों यहाँ मिसमैचिंग हो गई। चिली पुसा सदाबहार सही है। ओकरा पुसा स्वामी सही है। तो बच्चों अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मिसमैचिंग की बात है क्वेश्चन नंबर 177 में, वो बच्चों अपन यहाँ बताएंगे सिर्फ थर्ड ऑप्शन कौन सा हो गया? कॉलीफ्लावर इसमें आ गया। तो ओनली थर्ड आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन 178। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर फ्रॉम। कृत्रिम संकरण में परागकणों से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण है। ए फ्लावर विद डिजायर्ड ट्रेट द सेम फ्लावर एनी फ्लावर या नन ऑफ दीज। तो बच्चों आपको पता है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम पोलन ग्रेन को डालते हैं स्टिग्मा के ऊपर, और बच्चों ये जो यहाँ पे पोलन ग्रेन होगा हम कह सकते हैं ये पोलन ग्रेन वो होगा जिसमें डिजायर्ड ट्रेट्स है, जिसमें बच्चों बढ़िया करेक्टर्स प्रेजेंट है। तो आंसर यहां पे हो गया फर्स्ट ऑप्शन। 179, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कमर्शियल वैरायटीज अमंग व्हीट एंड राइस। दी गई आर्थिक महत्व की गेहूं और चावल की किस्मों को पहचानिए। देखो बच्चों यहां पर एक तरफ है सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट, एक तरफ बच्चों यहां पर है सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस। तो फिर पता है सोनालिका कल्याण सोना, ये बच्चों अपने पास में कौन सी वैरायटी है? आप कह सकते हैं व्हीट की वैरायटी है। IR8 जया थाईचुंग नेटिव फर्स्ट एंड रत्ना, ये जो बच्चों अपने पास वैरायटी है वो किसकी होगी? चावल की वैरायटी होगी। तो अगर आप कंडीशन यहाँ पर देखें तो बच्चों यहाँ पर ए में तो क्या आ गया 1-2, बी में आ गया 3-4, 5-6। तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है 179 में वो बच्चों अपन यहाँ पर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर 4 देंगे। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू। जीव उत्तकों के रासायनिक संगठन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों की बाहुल्यता का सही क्रम है। तो देखो बच्चों सबसे ज्यादा जो है वो वाटर होता है। वाटर बच्चों यहाँ पे कितना होता है? आप कह सकते हैं 70% to 90% वाटर ही होता है। प्रोटीन इसके बाद बच्चों इसके बाद में आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कंडीशन जो है वाटर के जस्ट बाद में वो आती है, किसकी? वोटर प्रोटीन बच्चों यहाँ पे कितना होता है? 10% से 15%। फिर बच्चों यहाँ पे आता है न्यूक्लिक एसिड, कितना होता है? 5% से 7% होता है। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पे आता है आप कह सकते हैं इसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें आंसर कौन सा हो गया? NCERT के बच्चों ये आपके पास टेबल है, पहले यहाँ पे आएगा वोटर प्रोटीन, बच्चों प्रोटीन के बाद में आएगा आप कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड, फिर बच्चों आएगा कार्बोहाइड्रेट, और फिर यहाँ पे लिपिड आयन आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, क्वेश्चन नंबर 180 के अंदर। आगे देखिए, नेक्स्ट 181, सेलेक्ट ए रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एंजाइम एक्शन। सबस्ट्रेट बाइंड एट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, बिल्कुल सही बात है। एंजाइम जो होता है उस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, इस बच्चों एक्टिव साइट के ऊपर ही आप कह सकते हैं सबस्ट्रेट अटैच होता है। मेलोनेट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सेनिक एसिड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि बच्चों जो मेलोनेट है और जो सक्सेनिक एसिड है दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी होती है और दोनों ही एक्टिव साइट पे जुड़ने के लिए कॉम्पिटिशन शो करते हैं। दोज फैक्टर्स दैट अफेक्टेड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऑल्सो अफेक्टेड द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट बाइंड एट द एक्टिव साइट, बिल्कुल। तो देखो बच्चों यहाँ पे 181 में जो करेक्ट आंसर है, इसने पूछा आपको कौन सा रॉन्ग है, तो जो कारक प्रोटीन की द्वितीयक संरचना को प्रभावित कर सकता है वो एंजाइम की सक्रियता को भी प्रभावित करेगा, ऐसा बच्चों कुछ नहीं होता, ऐसा स्टेटमेंट का कोई तुक ही नहीं है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो गया? तीसरा। फोर्थ बच्चों बिल्कुल यहाँ पे सही है। नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर क्या होगा? नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा, और कोई कॉम्पिटिशन कब नहीं होगा? जब दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी है। जो सबस्ट्रेट है वो अटैच कहाँ पे होगा? एक्टिव साइट पे, और जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट के अलावा और कहीं पे अटैच होगा। आंसर यहाँ पे हो गया थर्ड ऑप्शन 182। द सेमी ड्वार्फ व्हीट विच वॉज
इंस्ट्रूमेंटल इन इंक्रीजिंग वीट प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड बाई। गेहूं की अर्धवामन किस्म गेहूं के उच्च उत्पादन के लिए बनाई गई थी और जिसे विकसित किसने किया था? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने, नो पॉल एर्लिक ने, नो एडवर्ड जेनर ने। आंसर बच्चों यहाँ पे कौन है? प्रोफेसर नॉर्मन ई बार्लो। एनसीईआरटी की लाइन है। ई बार्लो ने बच्चों वीट की ऐसी वैरायटी बनाई थी जिससे प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा हुआ था। तो बच्चों यहाँ पे आंसर जो 182 में वो कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 183। इन वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल द रेशियो ऑफ एटी अपॉन सीजी 0.3। व्हाट द ए प्लस जी टी प्लस सी रेशियो ऑफ द एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल? देखो बच्चों आपके पास में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। बच्चों अपने पास में क्या है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बाद अगर आप यहां पे करें तो बच्चों यहां पे है ए प्लस टी अपॉन सी प्लस जी। ये बच्चों अपने पास में क्या है? कंडीशन है। समझ रहे बात को? तो ये जो अपने पास कंडीशन है ए प्लस टी सी प्लस जी बच्चों कितना है? 0.3 है। यहां पे AT जो है ये बच्चों क्या आ गया? प्यूरीन। T क्या आ गया? पाइरिमिडिन। C बच्चों यहां पर क्या है? आप कह सकते हैं पाइरिमिडिन, ये बच्चों प्यूरीन है। ये अपने को दे दिया। अब पूछा क्या है? AGOTC A प्लस जी अपॉन टी प्लस सी। देखिए बच्चों A और G दोनों के दोनों क्या हो गए? प्यूरीन। T प्लस सी दोनों के दोनों क्या हो गए? पाइरिमिडिन। तो बच्चों किसी भी डीएनए में ये चारग्राफ का रूल था, प्यूरीन इज इक्वल टू पाइरिमिडिन होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर प्यूरीन इज इक्वल टू पाइरिमिडिन है। जितना प्यूरीन है बच्चों उतना ही क्या है? पाइरिमिडिन है। इसका मतलब दोनों अगर इक्वल है तो बच्चों आंसर यहां पे क्या आ गया? फर्स्ट आ गया। 50% बच्चों क्या होता है? प्यूरीन। और बच्चों 50% क्या होता है? पाइरिमिडिन। तो 50/50 क्या आ गया? फोर्थ ऑप्शन यहां पे आ गया। तो 183 में जो बच्चों करेक्ट आंसर है वो अपने पास में क्या आ गया? 4 आ गया। इज दैट क्लियर? आगे देखिए 184। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट। यूकेरियोट में अनुलेखन की प्रक्रिया से संबंधित सही कथन का चुनाव कीजिए। द स्ट्रैंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए व्हिच टेक्स पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड। डीएस डीएनए का वह रज्जुक जो अनुलेखन में भाग लेता है उसे बच्चों हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। नहीं, वो बच्चों कोडिंग स्ट्रैंड नहीं है, वो बच्चों यहां पे क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड है। रॉन्ग हो गया। द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज कैन कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन 5-3। बिल्कुल सही है बच्चों। डीएनए पॉलीमरेज हो चाहे आरएनए पॉलीमरेज हो, जो नई चेन का फॉर्मेशन होगा वो 5-3 होगा। एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5' एंड ऑफ एचएनआरएनए ड्यूरिंग कैपिंग। बिल्कुल सही एनसीईआरटी की लाइन है। ड्यूरिंग टेलिंग प्रोसेस एडेनाइट रेसिड्यूज 200-300 आर एडेड एट द रेट 3 इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। बिल्कुल सही है। तो बच्चों आप यहां पे कह सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट रहोगे, बाकी सारे सही है। करेक्ट यहां पे कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185। विच कोडोन हैव ड्यूल फंक्शन? कौन सा प्रकूट दोहरे कार्य युक्त है? एयूजी, जीयूए, एयूए, एसीसी। आंसर बच्चों यहां फर्स्ट ऑप्शन है। एयूजी जो है उसका डबल वर्क है, ये स्टार्ट कोडोन की तरह भी काम करता है और जो मिथ्यूनिन है उसको भी कोड करता है। मतलब जब भी बच्चों प्रोटीन की चेन बनेगी तो वहां पे जो एयूजी है एमआरएनए में एयूजी का आना जरूरी है। जहां पर एयूजी होगा बच्चों वहीं से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा और ये एयूजी जो है आप कह सकते हैं मिथ्यूनिन को भी कोड करता है। तो आंसर यहां पे हो गया फर्स्ट ऑप्शन 186। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लार्जेस्ट डीएनए सेगमेंट प्रेजेंट मोर क्लोज टू। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे लंबा डीएनए खंड किसके अधिक नजदीक होगा? तो देखो बच्चों जैसे मान लो इलेक्ट्रोफोरेसिस में यहां पर एनोड है, जस्ट एग्जांपल, ये बच्चों यहां पर क्या है? कैथोड है। तो जितना छोटा होगा बच्चों उतना क्या होगा? एनोड के पास होगा। जितना बड़ा होगा वो कैथोड के पास होगा। तो बच्चों बड़ा डीएनए जो है वो होगा किसके पास? एनोड स्लैब, कैथोड स्लैब, एनीवेयर इन एगरोस जेल, नन ऑफ दिस। तो बच्चों आंसर यहां पे क्या हो गया? सेकंड ऑप्शन यहां पे आ गया 186 के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो डीएनए है उस पे नेगेटिव चार्ज है, एनोड पॉजिटिव होता है। कैथोड बच्चों कैसा होता है?
आप कह सकते हैं नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जितना लंबा डीएनए होगा बच्चों उतना वो कैथोड के पास रहेगा, 187। व्हाट विल बी द पॉसिबल हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, आनुवांशिक रूपांतरित फसलों का कौन सा संभव हानिकारक प्रभाव है, जीएम फूड बिकम पॉइजनस एलर्जिक फॉर ह्यूमन, जीएम क्रॉप कैन इफेक्ट इकोसिस्टम ऑफ एनी एनवायरमेंट, जीएम क्रॉप में बी डेवलप्ड सेम एपिडेमिक डिजीज, जीएम फसल महामारी रोग उत्पन्न कर सकती है। देखो बच्चों 187 में सारी कंडीशन है, जीएम फूड जो है वो बच्चों एलर्जिक भी हो सकता है क्योंकि फूड प्रोटीन होता है, एलर्जिक होता है। जीएम क्रॉप जो है वो बच्चों इकोसिस्टम को आप कह सकते हैं अनबैलेंस करता है, क्योंकि जीएम क्रॉप क्या होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। अब जो इंसेक्ट वगैरह है वो इनको खा नहीं सकते, तो इंसेक्ट्स के जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो बच्चों इकोसिस्टम अनबैलेंस करने में इसका बड़ा रोल हो सकता है। ये बच्चों सेम एपिडेमिक डिजीज शो कर सकती है, मतलब ये महामारी रोग पैदा कर सकती है, क्योंकि बच्चों इससे क्या होगा कि जो एक ही टाइप की कंडीशन है वो क्रिएट होगी, बाकी कंडीशन यहाँ पे गायब हो जाएगी। आंसर यहाँ पे हो गया फोर्थ ऑप्शन। एक बार दोबारा देख लो उसको बच्चों, 188 में ध्यान रखना, 187 में ध्यान रखना, सेम एपिडेमिक का मतलब क्या है, महामारी रोग हो गया भाई। एक ऐसी क्रॉप आपने बनाई है जिसको आप तो चलो यूज कर सकते हो, बाकी के जो इंसेक्ट्स वगैरह बेचारे वो यूज कर ही नहीं सकते, तो बच्चों उसके लिए क्या होगी, महामारी होगी। जैसे ही वो इसको खाएंगे वो मर जाएंगे, जैसे कि बीटी कॉटन था, ठीक है, तो उनके लिए बच्चों एक महामारी की तरह काम आएगी। 188, डिफरेंस बिटवीन रिकॉम्बिनेंट सेल फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन प्रेजेंस ऑफ ए क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, इन दिस प्रोसेस एन एंजाइम जीन बिकम इनएक्टिवेट विच इज रिफर्ड एज पुनर्योगी कोशिका, अपुनर्योजी कोशिकाओं से क्रोमोजेनिक पदार्थ युक्त संवर्धन में रंग उत्पन्न करने की क्षमता के द्वारा पहचानते हैं। इस प्रक्रिया में एक एंजाइम जीन को निष्क्रिय कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इसको बच्चों बोलते हैं इनसर्शनल इनएक्टिवेशन। पढ़ा था अपन ने कि जो वहां पर प्लाज्मिड के अंदर ऐसा जीन जो कलर प्रोड्यूस करता है, हमने उसको निकाल के बच्चों वहां पर डाल दिया डिजायर्ड जीन, तो बच्चों कलर प्रोड्यूस करने वाले जीन को बाहर निकालने से कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, तो बच्चों क्या हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। डिजायर जीन को इंसर्ट करने से जो बच्चों कलर प्रोड्यूस करने वाला जीन था वो क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। तो आंसर यहां पे हो गया फर्स्ट ऑप्शन। 89, द टर्म बी एंड आर इन नेम PBR322 रिप्रेजेंट, PBR322 में बच्चों बी और आर का मतलब क्या है, बी बच्चों यहां पे बोलीवर है, आर यहां पे रोड्रिग्यूज है, जो कि साइंटिस्ट के नाम को शो करते हैं। 189 के बाद 190, गिवन फिगर रिप्रेजेंट द डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल एज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शो करेक्ट मेजरमेंट ऑफ एबीसी। देखिए बच्चों ये बच्चों यहाँ पे क्या है, आप कह सकते हैं जो डीएनए है बच्चों क्या है, उसकी पिच है ये बच्चों कितनी होती है, आप कह सकते हैं 3.4 नैनोमीटर है। एंगस्ट्रॉम की बात करूं तो 34 एंगस्ट्रॉम होगी। दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस बच्चों कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर, ये आप कह सकते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम है, समझ गए। इसके बाद में अगर आप कंडीशन देखें तो बच्चों अपन यहां बता सकते हैं, जैसे ए में बच्चों यहां पे क्या आना चाहिए, 3.4 या 34 एंगस्ट्रॉम भी यहां पे आ सकता है, बी बच्चों यहां पे है 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम भी यहां पे आ सकता है। अब बच्चों यहां पे आ गया एक तो 2 नैनोमीटर, एक बच्चों यहां पे आ गया 2 एंगस्ट्रॉम, दोनों कंडीशन यहां पे। तो इस सिचुएशन के अंदर देखें दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है उनके बीच की डिस्टेंस बच्चों यहां पे अगर आप कंडीशन देखें 190 में तो क्या बता सकते हैं, यहां पे 2 नैनोमीटर जो है वो बच्चों अपन यहां पे इसको दे सकते हैं। तो आंसर यहां पे हो गया फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बच्चों यहां पे मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको है नहीं, आंसर यहां पे फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ये बच्चों डिस्टेंस यहां पे होती है 2 नैनोमीटर, जैसे कि पता है आपको, या इसको आप 20 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं, आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे अपन देखें 191, द एडजॉइनिंग ग्राफ शो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, निम्नलिखित ग्राफ क्रियाधार की सांद्रता परिवर्तन पर एंजाइम सक्रियता को प्रदर्शित करता है, एबीसी को पहचानिए। तो बच्चों ए यहां पर जो है अपने सामने वो क्या है, वी मैक्सिमम आ गया, अपने को पता है
कि अगर आप सबस्ट्रेट को इंक्रीज करोगे तो बच्चों ग्राफ पहले इंक्रीज होगा फिर कॉन्स्टेंट होगा, तो बच्चों ए यहाँ पे हो गया वी मैक्सिमम, बी बच्चों यहाँ पर क्या है ये सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है जहाँ पे रेट मैक्सिमम की हाफ होती है, तो बच्चों बी यहाँ पे क्या हो गया आप कह सकते हैं के एम हो गया, और सी बच्चों यहाँ पर जो है वो हो गया मी मैक्सिमम का हाफ हो गया। तो करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ए हो गया वी मैक्सिमम, बी है के एम, और सी बच्चों यहाँ पर क्या है वी मैक्स बाई टू। आगे देखिए 192, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पोरोपोलिनिन इज फॉल्स, निम्न में से कौन सा कथन स्पोरोपोलिनिन के लिए असत्य है। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, बिल्कुल सही है। स्पोरोपोलिनिन इज वन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, एक्साइन हैज एपरेटर्स कॉल्ड जर्म पोर वेयर स्पोरोपोलिनिन इज प्रेजेंट, नहीं जर्म पोर जहां पे होता है बच्चों वहां पे स्पोरोपोलिनिन क्या होता है एब्सेंट होता है। स्पोरोपोलिनिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, बिल्कुल सही। तो बच्चों रॉन्ग यहाँ पे कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया 193। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर राइट फॉर बुलीफॉर्म सेल, बच्चों बुलीफॉर्म सेल आपको पता है कि जो मोनोकोट लीफ है उसकी अपर एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। दे आर लार्ज एम्प्टी कलरलेस कोलेनकाइमा सेल, बच्चों कोलेनकाइमा यहाँ पे आ गया, रॉन्ग हो गया। दे आर फाउंड इन एडेक्शियल एपिडर्मिस ऑफ लीफ, ये घास की ऊपर वाली एपिडर्मिस में है, बिल्कुल सही है। दे आर फाउंड इन एबेक्शियल एपिडर्मिस, नो। दे मेक द लीव्स कर्ल इन वार्ड्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस, बिल्कुल सही है। जो बच्चों वाटर का लॉस है उसको कम करने के लिए जो लीफ है आप यहाँ पे कह सकते हैं उसमें क्या होती है बच्चों, उसमें कर्लिंग होती है। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट जो है वो सही है अगर आप कंडीशन देखें। दे आर लार्ज एम्प्टी कलरलेस कोलेनकाइमा, दे आर फाउंड इन एडेक्शियल एपिडर्मिस ऑफ लीफ, दे आर फाउंड इन एबेक्शियल एपिडर्मिस इन डाइकोट लीफ, दे मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ड टू मिनिमाइज वाटर लॉस, दे आर सेंसिटिव फॉर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। तो बच्चों यहाँ पे ई सही है, यहाँ पे डी सही है, और यहाँ पे बी सही है, आंसर यहाँ पे हो गया सेकेंड ऑप्शन। कंसिडर द गिवन डायग्राम, बच्चों डायग्राम आपके सामने है, मार्केशिया का डायग्राम यहाँ पर है। प्रेजेंस ऑफ गेमा कप इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गिवन प्लांट्स ग्रुप, जेमा कप की उपस्थिति दिए गए पादप समूह का अभिलाक्षणिक गुण है, बिल्कुल। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये गेमा कप है। द गेमा कप बिकम डिटेच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू गेमिटोफाइट, जेमा कप मात्र पादप से पृथक होकर नए युग्मकोद्भिद का में अंकुरित होता है, बच्चों गलत है। गेमा कप डिटेच नहीं होता है बल्कि इसमें जो गेमी होते हैं वो यहाँ से अलग होते हैं। स्पोरंजिया आर द लीफ लाइक अपेंडेज इन ऑल ब्रायोफाइट, स्पोरंजिया जो है वो लीफ लाइक अपेंडेज है सारे ब्रायोफाइटा में, नहीं बच्चों सारे ब्रायोफाइटा में आप कह सकते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती ही नहीं है, सिर्फ मॉस में होती है। डायग्राम बी शोइंग फीमेल थैलस, बी बच्चों यहां पर फीमेल है, गलत है, ये मेल है, ये फीमेल है। प्लांट बॉडी इज लेफी डिफरेंशिएटेड एंड क्लोजली एपरेटस टू सबस्टेट, ये बच्चों रॉन्ग हो गया, लेफी स्टेज नहीं है, इसको आप कहते हैं प्रोस्टेट स्टेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन से वो अपन देख लेते हैं एक बार। पहला जो बच्चों यहाँ पे है इसमें है कि प्रेजेंस ऑफ गेमा कप इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर गिवन प्लांट ग्रुप, जो प्लांट का ग्रुप बच्चों आपको दे रखा है ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर के रूप में गेमा कप को कंसीडर करता है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 194 जो है इसमें अगर आप कंडीशन देखें तो पूरा का पूरा जो बच्चों ग्रुप है ये ब्रायोफाइट होते हैं, हाँ जो यहाँ पे मार्केनिश है उसमें तो होता है लेकिन बाकी सब में नहीं होता। फिर बच्चों यहाँ पे है गेमा कप डिटेच होता है वो भी गलत हो गया, लीफ लाइक अपेंडेज ऑल ब्रायोफाइट में नहीं होते। डायग्राम बी इज शोइंग फीमेल थैलस, ये बच्चों गलत हो गया। प्लांट बॉडी इज लेफी, ये बच्चों प्लांट बॉडी तो प्रोस्टेट हो गई, तो बच्चों सारे के सारे यहाँ पे क्या है गलत स्टेटमेंट है, समझ गए ये कंडीशन है। हाँ बच्चों नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 195, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट युगलिना इज करेक्ट, युगलिना इज ए फ्लेजिलेट ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल बच्चों यहाँ पर ये फ्लेजिला वाला एक ऑर्गेनिज्म है, ये फ्लेजिलेटेड ऑर्गेनिज्म यहाँ पर है। युगलिना व्हेन प्लेस्ड इन कंटिन्यूअस डार्कनेस लॉसेस इट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एंड डाइज, ये बच्चों यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि अगर मान लो लाइट नहीं है तो फिर ये नॉन फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, ये सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है। द पिगमेंट्स ऑफ युगलिना आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ग्रीन प्लांट, ये बच्चों रॉन्ग स्टेटमेंट है। ग्रीन प्लांट के जैसे यहाँ पे पिगमेंट होते हैं
युगलिना इज ए मेराइन प्रोटिस्ट, ये बच्चों यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 196, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल CO2 इज इवोल्व्ड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। देखो बच्चों CO2 कहाँ निकलती है, आपको पता है कि जो क्रेब्स साइकिल में अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड होता है बच्चों, उसमें होते हैं 5 कार्बन, इससे पहले 6 कार्बन है, इसके जस्ट बाद में 4 कार्बन है, ठीक है। तो बच्चों इससे पहले भी CO2 निकलती है और इसके बाद भी CO2 निकलती है, सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का बनना, तो आप बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें 6 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, बिल्कुल CO2 निकलती है। सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड का बनना, यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, CO2 नहीं निकलती। मैलिक एसिड से ऑक्सलोएसिटिक एसिड का बनना, यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, नहीं निकलती। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में 5 कार्बन है, सक्सिनिक में 4 कार्बन है, यहाँ CO2 निकलती है। तो बच्चों फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पर जो है इसका सही आंसर है। तो बच्चों 196 में अपन यहाँ पे आंसर क्या देंगे, क्वेश्चन नंबर 196 में आंसर बच्चों 2 आ जाएगा। 197, इफ द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन चेंबर ए इज डिक्रीज, देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। यदि कक्ष ए में विलेय अणुओं की संख्या को घटा दिया जाए तो कौन सा है। बच्चों ए के अंदर आपको इन सॉल्यूट को डिक्रीज करना है, घटाना है। तो बच्चों अगर यहाँ पे विलेय को कम करेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज डिक्रीज। नहीं बच्चों ये गलत स्टेटमेंट हो गया। अगर सॉल्यूट यहाँ पे कम होगा तो आप कह सकते हैं कि सॉल्यूट के कम होने से अब वाटर बच्चों और मूवमेंट करेगा ए टू बी। वाटर मॉलिक्यूल इन चेंबर ए अटेन मोर फ्री एनर्जी। अगर मान लो बच्चों यहाँ पर चेंबर ए जो है, इस चेंबर ए के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल जो है उसमें अटेन मोर फ्री एनर्जी, ज्यादा फ्री एनर्जी आएगी, बिल्कुल सही है। अगर बच्चों सॉल्यूट को कम कर दोगे तो आप कह सकते हैं वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स इन चेंबर बी शोन इंक्रीज रेट ऑफ मूवमेंट। जो चेंबर बी में आप कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे वाटर के जो मूवमेंट है उनकी गति बढ़ जाएगी। अगर बच्चों आप यहाँ पे सॉल्यूट को कम कर रहे हो तो इनकी गति नहीं बढ़ेगी, गति तो बढ़ेगी इनकी। वाटर मॉलिक्यूल वाटर पोटेंशियल ऑफ चेंबर बी इज इंक्रीज। नहीं, अगर आप यहाँ पे सॉल्यूट कम करोगे तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, नहीं कि यहाँ बढ़ेगा। तो बच्चों आंसर यहाँ पे जो है 197 में वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बच्चों यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट 198, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स गिवन हियर, ऑल्सो वर्क आउट द प्रोसेस डिपिक्टेड इन द स्टेप्स, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। होमोलोगस क्रोमोजोम मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल क्रोमेटिड डू नॉट सेपरेट। बच्चों यहाँ पर जो आप कह सकते हैं क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो रहे हैं, क्रोमोजोम जो है वो मूव करते हैं अपोजिट पोल पर। ये बच्चों यहाँ पर मेटाफेज के बाद में जो यहाँ पर एनाफेज है उस एनाफेज फर्स्ट की बात चल रही है। क्रोमोजोम गैदर टूगेदर एट द टू पोल्स ऑफ द सेल एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म। बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो वापस बन जाती है, इसका मतलब टेलोफेज की बात चल रही है। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर एंड एक्सचेंज सेगमेंट, ये बच्चों पैकेटिन की बात चल रही है, ये टेलोफेज फर्स्ट की बात थी। होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन ऑन ए सेंट्रल प्लेट, ये बच्चों यहाँ पे मेटाफेज की बात चल रही है। द हैप्लोइड सेल सेपरेट कम्प्लीटली, हैप्लोइड सेल का सेपरेट होना, ये बच्चों आप यहाँ पे कह सकते हैं साइटोकाइनेसिस को शो करता है। तो देखो बच्चों लास्ट में अगर आप कंडीशन देखें 198 में, तो बच्चों लास्ट में यहाँ पे कौन सी कंडीशन बनेगी, फिफ्थ बनेगी, क्योंकि बच्चों लास्ट में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, पैकाइटिन मतलब प्रोफेज फर्स्ट, फिर बच्चों उसके बाद में क्या आएगा, मेटाफेज फर्स्ट, फिर बच्चों उसके बाद में क्या आएगा, एनाफेज फर्स्ट, फिर टेलोफेज फर्स्ट, और बच्चों लास्ट में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो गया। 199, इफ एट द एंड ऑफ मियोसिस द ईच ऑफ 4 डॉटर सेल्स हैव 4 क्रोमोसोम, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वर इन द मदर सेल। अगर बच्चों मियोसिस के लास्ट में एक डॉटर सेल में 4 क्रोमोसोम है तो उसकी मदर सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे। देखो बच्चों सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन है मियोसिस के बारे में, तो अपने को पता है कि साहब अगर मियोसिस के बाद में जो डॉटर सेल है उसमें 4 क्रोमोसोम है, देन हाउ मेनी क्रोमोसोम वर इन द मदर सेल, मदर सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे। तो बच्चों आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मदर सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, इससे डबल हो जाएंगे, कितने, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर रुडोल्फ विर्चो। निम्न में से कौन सा विर्चो के लिए गलत है।
ही गेव द स्टेटमेंट ओमनिसेल्ला, ई सेल्ला बिल्कुल सही है. ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडन एंड स्वान टू गिव सेल थ्योरी अ फाइनल शेप, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. अकॉर्डिंग टू हिम ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ही प्रोपोज्ड दैट द सेल थ्योरी, बट दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड. ये बच्चों यहाँ पे गलत है. सबसे पहले रुडोल्फ विर्चो ने ही बताया था कि न्यू सेल्स आर अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जो नई सेल है वो पुरानी सेल से ही आती है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही आती है. सबसे पहले इस बात को एक्सप्लेन ही किसने दिया था? विर्चो ने. तो बच्चों यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो गया? फोर्थ. तो बच्चों इस तरीके से हमने यहाँ पे 1 by 1 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है. उम्मीद है आपने अच्छे से इसको पकड़ा होगा, अच्छे से हर क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा.